गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट की थी। ओके, अब 10.3 पे कंसंट्रेशन करना है। सबसे पहले कुछ इक्वेशन देखने हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। वैसे चैप्टर नंबर 10 में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, तो इजी टॉपिक और इसी के साथ मतलब कि कुछ इक्वेशन भी ईजी है। तो पहले इक्वेशन को क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का टाइटल रहेगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में दो चीज आती है। ओके, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरी लैंग्वेज में उसको बोला जाए तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, चलो ये बेसिक है। बट एक्सरसाइज 10.3 में, एक्सरसाइज 10.3 में ओनली हमें डॉट प्रोडक्ट ही सीखना है। ओके, तो हमें ओनली स्केलर प्रोडक्ट का ही डिस्कशन करना है। एक्सरसाइज 10.4 में वेक्टर प्रोडक्ट आएगी। क्या आएगी? वेक्टर प्रोडक्ट। तो अभी जस्ट ओनली डिस्कशन फॉर स्केलर प्रोडक्ट, ओनली डॉट प्रोडक्ट। तो टाइटल लगा देते हैं सब कुछ बात स्केलर प्रोडक्ट की ही होगी। ओके, मीन्स डॉट प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले बेसिक स्केलर प्रोडक्ट का इक्वेशन देखा जाए तो क्या है दोनों में? एंगल है कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर दो वेक्टर ए एंड बी हो वही नीचे उनका मान मानांक मोड में ए और मोड में बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए मोड बी। क्लियर? आगे की बात करें तो ये बेसिक इक्वेशन है। फिर कुछ कंडीशन आएगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कि भाई ये चीज़ होगी तो क्या कर सकते हैं, ये चीज़ होगी तो क्या कर सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा, छोटी मोटी कंडीशन आएगी। तो उसी के हिसाब से मतलब की बात करते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन मॉड ए इंटू मॉड बी। ओके, चलो अब कंडीशन नंबर वन, इफ कभी कभार मतलब कि ऐसा हुआ कि भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, नंबर वन, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो आया, तो सीधी बात है कि हमारा कॉस थीटा क्या आ जाएगा? जीरो। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू हुआ ना। अभी आप नॉलेजेबल हो, थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो कॉस इनवर्स जीरो। ओके, तो कॉस की वैल्यू जीरो कहाँ पे? तो पाई बाय टू पे। कहाँ पे? पाई बाय टू। तो हमारा क्या हो गया कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। पाई बाय टू आया, उसका मीनिंग परपेंडिकुलर 90 का। तो ऐसा बोल सकते हैं वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये दूसरी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज एक के ऊपर से बोल सकते हैं। अगेन, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू बोल सकते हैं और ए परपेंडिकुलर भी। ऐसा उल्टा भी, अगर ए परपेंडिकुलर बी तो हम ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा। ओके, ये है तो ये है, ये है तो ये है। तो आपको एक साथ काफी सारी कंडीशन देखने को मिली। ओके, केसेस नंबर वन के लिए देखा था। देन आफ्टर आगे की बात करें कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, दूसरी कंडीशन ले रहा हूं बेटा मैं, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो तो कॉस जीरो का मीनिंग वन, तो उसका मीनिंग ऐसा ये पूरा इधर आ जाएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए डॉट मॉड बी। ओके, तो हम थीटा इज इक्वल टू जीरो तो ये वाली कंडीशन ले सकते हैं कि भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। ये जनरल कंडीशन हुई, बट फॉर पर्टिक्यूलर, ओके, तो पर्टिक्यूलर कंडीशन में ऐसा कि ए बी और दोनों एक ही है
तो अगर मैं ए डॉट ए लूँ तो ऐसा हो जाएगा मॉड ए डॉट मॉड ए, उसका मीनिंग के मॉड ए का होल स्क्वायर। ए बार डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो मॉड ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये सब कब, जब थीटा इज इक्वल टू जीरो। सेम थिंग नंबर थ्री, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई ले रहे हैं तो कॉस पाई, ओके वो मतलब कि वन नहीं माइनस वन होगा, क्या होगा माइनस वन। तो ये तो सेम रहेगा ए डॉट बी, पर ये मॉड सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस मॉड ए मॉड बी। फॉर पर्टिकुलर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बार डॉट ए बार, तो माइनस मॉड ए मॉड बी वेक्टर, तो माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो जीरो के लिए पॉजिटिव आया, थीटा के लिए नेगेटिव आया, जो जो कंडीशन जानते हैं उसी कंडीशन से हम आगे बढ़ते रहे, ओके। चलो दूसरी एक चीज और, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, क्या बोला है फॉर म्यूचुअली, नंबर फोर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर चलो, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो क्या है उसके अंदर, हम ऐसा लिख सकते हैं समझिएगा बेटा, आई जे के है तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप, अगर सब कुछ सेम हो तो आंसर आएगा वन। क्या आएगा आंसर वन, बट क्रॉस हुआ, ओके आई जे जे के एंड के आई, जैसे आई के साथ जे, जे के साथ के एंड के साथ आई, दैट मीन्स जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। तो आई के साथ जे, जे के साथ के एंड के साथ आई इज इक्वल टू जीरो, ओके। अगर दोनों सेम होते हैं तो वन, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात हुई, आपको दो सेम का प्रोडक्ट दैट मीन्स वन, और दो चेंजेस वाला आई जे जे के आई दैट मीन्स क्या हो जाएगा जीरो। ये कंडीशन भी आपको एग्जाम्पल के लिए काम आएगी, क्लियर। चलो दोनों के बीच में एंगल की बात करते हैं, एंगल बिटवीन नंबर फाइव, ऑलरेडी हमारे पास वही इक्वेशन है फिर भी एक बार लिखते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वही इक्वेशन है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार एंड मॉड ए मॉड बी, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ओके। तो पूरा का पूरा थीटा को सब्जेक्ट बनाया, कॉस कहाँ गया सामने, ओके तो ये हो गया हमारे पास। बाकी सारे बहुत सारे हैं सम में, जैसे ए प्लस बी हो तो बी प्लस ए कर सकते हैं, ए डॉट बी डॉट सी हो तो ए डॉट सी डॉट बी कर सकते हैं। बस ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं देखनी है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट नेचुरली हमको आती है, उसके पीछे टाइम बिगाड़ना है नहीं। हाँ बट एक चीज़ और है, ओके तो उसका मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट का कॉम्पोनेंट फॉर्म क्या आएगा, कॉम्पोनेंट। तो स्केलर प्रोडक्ट इन या तो मल्टीप्लीकेशन, सीधा कंपोनेंट फॉर्म में मैं आपको लिख के देता हूं, तो कुछ इस तरह से कि भाई वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप, कुछ कोएफिशिएंट तो होगा ना, बी वन जे एंड सी वन के, उसी तरह वेक्टर बी इज इक्वल टू ए टू आई बी टू जे एंड सी टू के, दैट मीन्स ए वेक्टर इन टू बी वेक्टर, दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स क्या आएगा। तो पहले करते थे ऐसा ही, दोनों के कोएफिशिएंट का ही मल्टीप्लीकेशन, तो ए वन डॉट ए टू प्लस बी वन डॉट बी टू प्लस सी वन डॉट सी टू, ओके आई जे के का कोई रोल है नहीं, तो डॉट मल्टीप्लीकेशन आए तो जस्ट ओनली कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, साथ ही साथ प्लस 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 करते जाना, ओके तो एक ये नई चीज़ कि उसको कंपोनेंट ऐसे मल्टीप्लीकेशन करना हो तो हमें करना है, ओके दूसरा एक टाइटल है प्रोजेक्शन का, टाइटल तो है ऑब्जर्वेशन, ओके तो प्रोजेक्शन वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर एंड वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर
ए के ऊपर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अदर बी, प्रोजेक्शन टाइटल ऐसा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अदर बी। ओके, चलो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का, प्रोजेक्शन ए किसके ऊपर, बी के ऊपर, ऑन अदर बी। तो किस तरह से, मतलब कि रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, बी के ऊपर, हमारी लैंग्वेज में दिखाते हैं। तो ऊपर तो दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन, चलो बी के ऊपर है तो नीचे मोड बी, क्या होगा, बी के ऊपर है तो नीचे मोड बी, सेम थिंग प्रोजेक्शन ऑफ, ये सब कुछ एग्जाम्पल इक्वेशन आपको इसीलिए सिखा रहा हूं कि ड्यूरिंग एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन अदर ए, बी का ए के ऊपर, दैट मींस क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए, ऊपर तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा वो नीचे मोड में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, मोड में। मोर देन इनफ इक्वेशन हो गए, उससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जितने लिखवाए उतने सिंपल है, इजी है, पर समझना जरूरी है बेटा। ओके, पहले इक्वेशन कंप्लीट, इक्वेशन रेडी, देन आफ्टर सम करने में मजा आएगा। तो अगेन एक बार देख लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आएगा, तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर दैट मीन्स डॉट, वेक्टर दैट मीन्स क्रॉस। अभी कोई क्रॉस की बात नहीं क्योंकि 10.3 पूरी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है। तो डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा इज इक्वल टू मेन इक्वेशन, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन उसी का मोड। ओके, अब एंगल वाइज कंडीशन तीन है, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू देन ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कॉस पाई बाय टू जीरो, तो ये सामने जाएगा जीरो, ये जीरो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए एंड बी परपेंडिक्यूलर है, वैक्टर ए परपेंडिक्यूलर वैक्टर बी, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ये वन, तो ये पूरा सामने चला जाएगा, उसमें पर्टिकुलर में चले जाए तो दोनों ए ले ले तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, पाई ले लेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, दोनों ए ले लेंगे तो माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन एंगल के हिसाब से, वो तो हम डाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली बात आएगी काफ़ी सारी बार, तो उसमें दोनों सेम चीज़ का डॉट मल्टीप्लिकेशन, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो वन, बट क्रॉस आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, तो जीरो। एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो वो तो ऑलरेडी पहले वाला इक्वेशन ही है, जस्ट थीटा को सब्जेक्ट बनाया, कॉस को सामने जाने दिया, कभी कभार कॉस इनवर्स पाई बाय टू, पाई ऐसे फॉर्म में नहीं आएगा, वन बाय नाइन, तो हमें कॉस इनवर्स वन बाय नाइन लिख के छोड़ देना है। चलो नंबर सिक्स में, अगर हमारे पास दो वेक्टर हो उसका डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो उसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। प्रोजेक्शन ऑफ, ऑब्जर्वेशन की बात करें तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी के ऊपर। ओके, तो प्रोजेक्शन लेना है। ओके, वेक्टर ए का किसके ऊपर, वेक्टर बी के ऊपर, तो दैट मीन्स दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन तो आएगा, पर जिसके ऊपर, अदर दैट मीन्स नीचे मोड बी। ओके, अदर ए तो नीचे मोड ए, समझ में आ रहा है बेटा, तो मोड ए एंड मोड बी उस तरह से वेरीफाई होगी। चलो अब एग्जांपल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो इक्वेशन भी आपको रिमेंबर होते जाएंगे। एक्सरसाइज 10.3 नंबर वन, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढना है, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है रूट थ्री एंड टू, दैट मीन्स मोड ए रेडीमेड बोला है रूट थ्री, एंड मोड बी वो भी रेडीमेड बोला है टू। आगे की बात करें, रिस्पेक्टिवली हैविंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रूट सिक्स, तीसरी भी चीज़ दी हुई है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो भी रूट सिक्स दिया हुआ है, दोनों के बीच में हमें एंगल ढूंढना है बेटा। जाहिर सी बात है, हमारा इक्वेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए मोड बी, डालो सबकी वैल्यू, चलो वेक्टर ए और बी पूरा मल्टीप्लिकेशन रूट सिक्स है, डायरेक्ट दिया हुआ है, नहीं नीचे मॉड ए भी रेडीमेड है रूट थ्री, मॉड बी भी रेडीमेड है टू, बोलो कंप्लीट, कोई शक नहीं। ओके, चलो रूट थ्री का रूट सिक्स के साथ तो रूट टू,
चलो इसका करोगे तो ऊपर रूट टू नीचे टू, तो वन बाय रूट टू किसके बराबर, कॉस थीटा। तो उसका मीनिंग थीटा सब्जेक्ट बनेगा कॉस सामने, कॉस की वैल्यू वन बाय रूट टू कहाँ पर है, तो पाई बाय फोर पे, दिस इज द आंसर। राउंड फिगर आता है तो कॉस इनवर्स निकल जाएगा, नहीं आएगा तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में जो है वही का वही आंसर। नंबर टू, फाइंड द एंगल, अगेन एंगल की ही बात है तो एग्जाम्पल नंबर टू, पर इसमें वेक्टर के नाम नहीं दिए, नाम हम दे रहे हैं। पहले को ए बोल दो, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। वेक्टर बी थ्री आई माइनस टू जे प्लस के, थ्री आई माइनस टू जे प्लस के, ए बी का नाम दे दिया है। अब हमें ढूंढना है एंगल, एंगल वाला इक्वेशन तो यही है, तो दैट मीन्स आपको पहले डॉट मल्टीप्लिकेशन चाहिए और नीचे दोनों का मोड भी चाहिए। ओके, तो चलो पहले डॉट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मीनिंग पता है, दोनों का कोएफिशिएंट, पहले का वन दूसरे का थ्री, थ्री जा वन थ्री, माइनस टू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस फोर, ये थ्री इंटू वन तो प्लस थ्री, तो फोर प्लस थ्री सेवन प्लस थ्री, दैट मीन्स टेन। समझ रहे हो ना? ओके, इस तरह से डॉट में दोनों के कोएफिशिएंट साइन के साथ, बीच बीच में प्लस होता जाएगा। चलो अब मोड ए, दैट मीन्स अंडर रूट में वन का स्क्वायर वन, माइनस टू का फोर और थ्री का नाइन, तो नाइन प्लस फोर थर्टीन, प्लस वन तो रूट फोर्टीन। चलो मोड बी की बात करें तो अंडर रूट में रूट थ्री का नाइन, माइनस टू का फोर एंड वन का वन, तो अगेन रूट फोर्टीन। चलो तो मॉड ए भी रूट फोर्टीन आया, मॉड बी भी हमारे पास रूट फोर्टीन आया। चलो दोनों रूट फोर्टीन हमारे पास है, जितना बेसिक चाहिए था उतना मिल गया। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए डॉट मॉड बी, डालो सबकी वैल्यू, तो ए डॉट बी दैट मीन्स टेन, नीचे मॉड है तो रूट फोर्टीन इंटू रूट फोर्टीन, दैट मीन्स, चलो इधर ही करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ऊपर क्या है टेन, नीचे रूट फोर्टीन इंटू रूट फोर्टीन, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा फोर्टीन, तो कॉस थीटा, चलो टू से हमारे पास कैंसिल करने के ऑप्शन है, तो टू से करोगे तो फाइव एंड सेवन, बट फाइनली थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फाइव बाय सेवन, क्योंकि यहाँ पे फाइव बाय सेवन की वैल्यू नहीं मिलेगी, आंसर नहीं आएगा, इसीलिए हम वही का वही रखेंगे। बोलो कंप्लीट? ओके, थोड़ी स्पेस है, सम नंबर थ्री भी देख लेते हैं। तो व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री, छोटा भी है। फाइंड द प्रोजेक्शन, बात आ गई लास्ट इक्वेशन, जो प्रोजेक्शन की बात थी ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन द वेक्टर आई प्लस जे, दोनों को नाम दे देते हैं, वेक्टर ए आई माइनस जे, वेक्टर बी आई प्लस जे। चलो अब बात है प्रोजेक्शन की, भाई ए, अब ए और बी लिख के सुनो, ए ऑन द बी, देन प्रोजेक्शन वेक्टर की बात होगी तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ए बार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, ऐसा आएगा, पर एक डॉट मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो पहले डॉट कर देते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, चलो आई का वन आई का बी वन, वन जा वन वन, फिर बीच में प्लस, प्लस वन माइनस वन तो माइनस वन, तो वन माइनस वन क्या जीरो। ओके, वन माइनस वन क्या जीरो, तो एक्चुअल में हमारा इक्वेशन मतलब कि क्या हो जाता प्रोजेक्शन के हिसाब से, ओके कि भाई ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड बी बार, क्या हो जाता ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड बी, पर यहाँ पे तो ए बार डॉट बी बार भी जीरो है। ओके, तो इक्वेशन ऐसा था ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड बी बार, पर ये तो फुल एंड फाइनल आंसर ही जीरो हो गया, क्या हो गया आंसर जीरो, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू जीरो। ओके, दूसरी लैंग्वेज में अगर इसमें मांगा नहीं है वरना बोलते तो ये भी बोल सकते हैं, ए डॉट बी जीरो है दैट मीन्स ए परपेंडिकुलर बी, तो दोनों के बीच में एंगल पाई बाय टू भी हो सकता है,
जरूरत नहीं है इसमें तो जीरो आंसर से सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आगे कुछ नहीं मांगा है, बट बोलते तो हम उसका भी लिख सकते हैं। तो प्रोजेक्शन का सीधा आंसर मतलब क्या हो गया बेटा, जीरो। ओके, नया कुछ नहीं है। तो कितनी चीज़ें देखी आज हमने, तो काफ़ी सारे सम देखे, जो बेसिकली जरूरी इक्वेशन देखे, सॉरी जो बेसिकली जरूरी थे 10.3 के लिए, उसके बाद सम भी स्टार्ट करे, तो उसमें भी तीन सम अच्छे से कवर हो गए। ओके, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, देख लेते एक बार कितने सम है इसमें। तो एक्चुअल में 18 है एमसीक्यू के साथ। ओके, सेवन ओनली एक ही एमसीक्यू है, नंबर 18। ओके, छोटी एक्सरसाइज है, धीरे धीरे कवरअप होती जाएगी, पर पहले आज के लिए आपको इतना बेटा रेडी प्रिपेयर और अच्छे से रिमेंबर करना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आज के लिए सम नंबर 3 तक। क्लियर, थैंक यू।